रस मलाई कुकीज़ बनाने के लिए मैंने 3.5 टेबल स्पून बटर ले लिया है। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है, 1 टेबल स्पून मार्जरीन, आधा कप घर की पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सारी सामग्री को अच्छे से फेंट लेंगे। मिश्रण हल्का हो जाए और फ्लफी हो जाए तब तक इसे फेंटेंगे, इससे कुकीज़ बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। सारा मिश्रण अच्छे से फेंट चुका है, अब मैं बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। मैं इसके ऊपर स्ट्रेनर रख देती हूँ। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, जो 50 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 कप मैदा। सारी सामग्री को छान लेंगे। 1 टीस्पून रसमलाई एसेंस। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेती हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच दूध ऐड कर देती हूँ और इसका आटा तैयार कर लेंगे। मैंने आटे को तैयार कर लिया है, मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है इसके ऊपर जो कोटिंग करना है वो कर लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून दूध ले लिया है, मैंने गर्म दूध लिया है और उसके अंदर मैं केसर डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसे ढक के साइड में रख देती हूँ। गर्म दूध के अंदर केसर का रंग बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा तैयार हो चुका होगा, इसे चेक कर लेते हैं। मैं आटे को बोर्ड के ऊपर ले लेती हूँ और इसे अच्छे से मसल लेंगे। मैं इसके 2 हिस्से कर लेती हूँ और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसे बेल लेती हूँ। दोस्तों आप इसे चाहें वैसे मोटा नहीं तो पतला रख सकते हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखती हूँ क्योंकि ये कुकीज़ अभी फूलेंगे, इसके लिए मैं यही साइज़ के इसे बेल लेती हूँ। मेरे पास ये कुकी कटर है, मैं हमेशा ये कुकी कटर से ही इसे बनाती हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो कोई भी आप बॉटल का ढक्कन लेके भी इसे बना सकते हैं। मैंने कुकीज़ को कट कर लिया है, इसे मैं बेकिंग ट्रे के अंदर अरेंज कर लेती हूँ। ये कुकीज़ बहुत ही डेलिकेट होते हैं तो इसे संभाल के हैंडल करके आप रखिएगा। मैंने सारे कुकीज़ को ट्रे के अंदर अरेंज कर लिया है। तो अभी हमने जो केसर का दूध बनाया है उसे कुकीज़ के ऊपर लगा देंगे। ऊपर मैं बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देती हूँ, बारीक कटे हुए बादाम। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आप एक साथ में सारी कुकीज़ के ऊपर दूध मत लगाइएगा नहीं तो ये सूख जाते हैं। इसके लिए आप इस प्रकार से 3 से 4 कुकीज़ के ऊपर दूध लगाइएगा और उसे गार्निश कर लीजिएगा। सारे कुकीज़ मैंने बेल के तैयार कर लिए हैं और गार्निश कर लिए हैं। मैं इसे बेक करने के लिए रख देती हूँ। मैं ये कुकीज़ को प्री हीटेड ओवन के अंदर 180 डिग्री के ऊपर 30 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। 30 मिनट हो चुके थे और मैंने कुकीज़ को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये बहुत ही गर्म है पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे कुकीज़ तैयार हुए हैं और इसके ऊपर हमने जो केसर का दूध लगाया था वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रसमलाई कुकीज़ अभी बहुत ही गर्म है तो मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो चुका था और कुकीज़ ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खस्ता और करारे तैयार हुए हैं। कुकीज़ बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं, मैं इसे और तोड़ के आपको दिखाती हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको सिखाया बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा, आपके कुकीज़ भी बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। हमारे रसमलाई कुकीज़ बनके तैयार हैं। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। बेकरी स्टाइल जीरा कुकीज बनाना शुरू करते हैं। जीरा बिस्किट बनाने के लिए मैंने 5 टेबलस्पून बटर ले लिया है। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो अमूल का बटर आता है उसका उपयोग किया है।
पर अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक ऐड करने से ज़ीरा बिस्किट बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया है उससे हम आधा बेकिंग सोडा लेंगे। 1/4 कप घर की पिसी हुई चीनी। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो 100 ml का मेजरिंग कप है उतनी चीनी ली है, पर अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद ना हो तो आप चीनी कम मात्रा में ले सकते हैं, पर ये जो कुकीज़ हैं वो थोड़े हल्के मीठे होते हैं इसलिए मैं इतनी चीनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब भी आप बिस्किट बनाएं तभी इस प्रकार से इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, जिससे बिस्किट हमारे काफ़ी फ्लफी और फ्लेकी तैयार होंगे। मिश्रण बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर छन्नी रख देती हूँ और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। 1.5 कप मैदा, मैंने यहाँ पे जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से 1.5 कप मैदा लिया है। 1.5 टेबलस्पून सूजी, 1.5 टेबलस्पून बेसन। अब मैं सारी सामग्री को छान लेती हूँ। ये जो बच गए हैं उसे हम निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा, दोस्तों यहाँ पे हमारे किचन में जो नॉर्मल ज़ीरा हम यूज़ करते हैं वो मैंने लिया है। मेरे पास ये हाफ क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर है जिसे मिरी पाउडर कहा जाता है। ये मैं हमेशा इस प्रकार से हाफ क्रश करके रखती हूँ जो रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। उसमें से मैं 1 टीस्पून डाल देती हूँ, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर मैं जब भी जीरा बिस्किट बनाती हूँ तब ये ज़रूर से डालती हूँ, इससे बहुत ही बड़ा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून हाफ क्रश किया हुआ काले मिर्च का पाउडर, अगर आपको काले मिर्च पसंद ना हो तो आप इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं, पर दोस्तों जैसे मैं आपको सिखाती हूँ एक बार ज़रूर से वैसे ही बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। 1 चुटकी हल्दी, दोस्तों ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर मैं जब भी ज़ीरा बिस्किट बनाती हूँ मैं चुटकी भर हल्दी डालती हूँ, इससे बिस्किट को बहुत ही बढ़िया रंग मिलता है। जो बाहर बेकरीज वाले होते हैं वो रंग डालते हैं, पर मैं हमेशा इस प्रकार से हल्दी ही डालती हूँ। मैं ये कुकीज़ के अंदर बहुत ही हल्का सा रंग लाना चाहती हूँ इसलिए मैं इतनी ही हल्दी डाल रही हूँ। अब सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे और आटा तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा आटा अच्छे से मोहन लगा के तैयार हो चुका है। मैंने दूध ले लिया है, मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ और आटा गूंद लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं रखना है, रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा ही रखेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून जितना दूध का उपयोग किया है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा दूध का उपयोग लगे तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पर अभी से बहुत ज़्यादा इसे गीला मत कर दीजिएगा, नहीं तो आगे वर्कआउट करने में तो मुश्किल हो जाएगी। आटा रेडी हो चुका है, अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। जब तक कुकीज़ का डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर मैं एक प्लेट को रख देती हूँ और इसे ढक के धीमी आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए गर्म करूँगी। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप यही स्टेज के ऊपर 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ओवन को 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। जब तक पैन गर्म हो रहा है तब तक मैं ज़ीरा कुकीज़ तैयार कर लेती हूँ। मैं डो को चेक कर लेती हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आपको ये आटा बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसके अंदर आधा चम्मच दूध ऐड करके इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, पर अभी ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकना कर लेंगे।
हमारा जीरा बिस्किट के लिए आटा तैयार हो चुका है। दोस्तों मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। मैंने इस प्रकार से बटर पेपर रखा है जिससे हमारे कुकीज जो नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं वो ना हो, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। अब हमने जो ज़ीरा बिस्किट का आटा तैयार किया है उसमें से मैं बिस्किट बना लेती हूँ। आप चाहें वो साइज़ के कुकीज़ तैयार कर सकते हैं, मैं ये छोटे कुकीज़ तैयार कर रही हूँ इसलिए मैं ये बाइट साइज़ के कुकीज़ बना रही हूँ। मैंने कुकीज़ को ट्रे में अरेंज कर लिया है। दोस्तों ये बहुत सारे कुकीज़ बनते हैं इसमें से, तो बाकी की कुकीज़ मैं बाद में सेकेंड बैच में बनाऊँगी। और इस प्रकार से हम इसे थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखेंगे जिससे ये एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हो जाएंगे और अच्छे से बेक होंगे। कुकीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा दूध लगा देती हूँ। और ऊपर से थोड़ा सा साबुत जीरा रख देंगे जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। इस प्रकार दूध रखने के बाद में अगर आपने साबुत जीरा को लगाया तो कुकीज़ के ऊपर बेक होने के बाद में ये जीरा अलग नहीं होगा, अच्छे से वो कुकीज़ के ऊपर स्टिक होके ही रहेगा। इस प्रकार से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान रखते हुए अगर आपने कुकीज़ तैयार की तो दोस्तों ये कुकीज़ बिल्कुल बाहर मिलती हुई बल्कि बाहर से भी अच्छी बनेगी ये घर पे। और अगर आप इसे एक बार घर पे बनाएंगे ना तो आप कभी भी बाहर से नहीं लाएंगे, ये इतनी बढ़िया बनती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। इसके ऊपर भी मैं सेम प्रोसेस करके ये तैयार कर लेती हूँ। पैन गरम हो चुका है, अब ये कुकीज़ को मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ। ज़ीरा कुकीज़ को मैं धीमी आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँगी। दोस्तों अभी तो मैं इसे गैस के ऊपर बना रही हूँ, पर अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए अवन को प्रीहीट कर लीजिएगा और फिर उसके अंदर ये कुकीज़ को डाल दीजिएगा और इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। 30 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं कुकीज़ को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो साइज़ रखे थे उससे कुकीज़ थोड़े फूल चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बटर पेपर रखा था इसकी वजह से ये कुकीज़ नीचे से बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई हैं, इस प्रकार से लाइट कलर की ही तैयार हुई हैं। ये अभी बहुत ही गर्म है तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुकीज़ को ठंडा कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आती हैं। हमें बटर पेपर को ज़्यादा ग्रीस करने का या कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल आप वैसे ही इसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कुकीज़ बाहर के जैसे ही तैयार होंगी। और ये देखिए, ये बहुत ही लाइट रंग की हमें मिली है। जैसे हम अवन में बेक करते हैं और हमें जो लाइट रंग मिलता है बिल्कुल वैसा ही लाइट रंग आपको ये इस प्रकार से गैस के ऊपर भी मिलेगा। कुकीज़ एकदम ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही छोटे और टाइनी है तो ये हाथों से तो नहीं टूटेंगे, मैं आपको इसे नाइफ से कट करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फ्लेकी और बढ़िया हमारे कुकीज़ तैयार हुए हैं। ये मेल्ट इन माउथ है, आपने इसे जैसे खाया ये तुरंत ही मुँह में घुल जाएंगे, वैसे रेडी हुए हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आप वैसे ही स्टेप्स फॉलो करके इसे तैयार कीजिएगा, आपको ये कुकीज़ बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से हमारे कुकीज़ बेक हुए हैं। दोस्तों ज़ीरा कुकीज़ को आप बना के 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, पर ये इतने टेस्टी बनते हैं कि दो ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस ज़ीरा कुकीज़ बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।